यहाँ से ना 300 हो गया, 300 का निशान है। हाँ हाँ, इसमें टूने भी डाल दे। बस बस सीधे ही आना है अभी। जो हमने वो बंद से 15 फुट छोड़ा, इंक्रोचमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है हमारी इंक्रोचमेंट जहाँ पर हटी है, काफ़ी सारी जगह हैं। यहाँ पर मैं खुद मौजूद हूँ नाइट सीधा साथ, बाकी वाली लोकेशंस पे भी आप देखेंगे नाइट लोग हैं, पुलिस की असिस्टेंस हर जगह है। और जो भी सरकारी रकबों पे किसी भी किस्म की इंक्रोचमेंट है, टाइम हम करते भी आए हैं और लगातार कर रहे हैं इसको। अब जो इलीगल कंस्ट्रक्शन भी हैं लोगों ने कमर्शियल बनाए हैं या और भी कुछ स्ट्रक्चर बनाए, वो भी हमें रिमूव करने हैं वहाँ से। तो सरकार के जैसे आदेश हैं उनको हमने फील्ड में उनको इम्प्लीमेंट करना है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बताता आया हूँ। और सभी जहाँ पर भी इविक्शन हो रही हैं लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं पहले कि सरकारी रकबे छोड़ दें, जिन चीज़ों के इस्तेमाल में आ सकते हैं लोगों के पूरे क्लब करके पूरे गांव के इस्तेमाल में, जैसे वो आते हैं सिंगल यूनिट बन के, वैसा वो सरकारी रकबे इस्तेमाल में आए, ना कि गैर कानूनी तरीके से एक आदमी उन पर काबज़ हो जाए, ये दो लोग होने या चार लोग हो जाए। ये इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं 733 कनाल का रकबा है जो स्टेट लैंड इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को हमने दिया था। यहाँ लोगों ने काफ़ी ऑब्जेक्शन रेज किए, पहले हमारी बातचीत भी हुई लोगों से, तो मजबूरी में हमें यहाँ पर पुलिस असिस्टेंस लेनी पड़ी और कार्रवाई करके ये काफ़ी जो रकबा है हमारा 733 कनाल काफ़ी बड़ा रकबा है जो इंडस्ट्रीज़ की पोजिशन में हमने हैंड ओवर किया उनको। बिल्कुल, आप देख रहे हैं पूरी यूटी में हमारी में सरकार के जो आदेश हैं बिल्कुल मौके पर हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हमारी जिम्मेवारी भी है, ये हमारी भी जिम्मेवारी है सरकारी मुलाजम होने के नाते, ये लोगों की भी जिम्मेवारी है कि सरकारी रकबों को किसी भी तरीके से किसी भी आदमी के कब्ज़े में ना आने दें। यही वो रकबे हैं जो आप लोगों के बच्चे जहाँ पर खेलते हैं, जहाँ प्ले फील्ड्स बनते हैं, जहाँ ग्राउंड बनती हैं, जहाँ पर डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल्स, कुछ भी चीज़ हमें चाहिए है सरकार को चाहिए, तो वो आके हमने आखिर यही ज़मीन लेनी है और इसी को इस्तेमाल करना है। अभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन एक डेटरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पुलिस की, जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो उसको हैंडल किया जा सके। तो डी साहब के जैसे निर्देश हैं, बिल्कुल हम कार्रवाई कर रहे हैं आप तरीके से।